हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक ग्लास दूध से बहुत ही टेस्टी मलाईदार रबड़ी वाली कुल्फी बनाने वाले हैं और ये कुल्फी बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी। सिर्फ 5 मिनट में ही आप इसका मिक्स बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इंस्टेंट रबड़ी कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने ये एक ग्लास दूध लिया है। मेजरिंग कप से अगर आप मेजर करेंगे तो ये एक कप दूध के बराबर ही है। तो चलिए फटाफट से अब हम इससे कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। तो कुल्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रख लिया है और पैन में हम ये दूध डाल देते हैं। दूध को यहाँ मैंने थोड़ा सा क्रीम के साथ लिया है, यानी जो इसके ऊपर मलाई की परत होती है उसे भी मैंने इसके साथ ले लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो यूज़ करें मलाई को, नहीं तो सिंपल प्लेन दूध से भी इसे बना सकते हैं। अब हम दूध को बॉयल होने देते हैं। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं, जिसे हम इस कुल्फी में डालकर बहुत ही बढ़िया मलाईदार कुल्फी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो ये मैंने ये ब्रेड लिए हैं फ्रेंड्स, ये 2 ब्रेड के पीसेस लिए हैं जिनके कॉर्नर्स को मैंने काट लिया है। कुल्फी बनाने के लिए हमें ब्रेड के कॉर्नर्स को अलग करना होगा, क्योंकि ब्रेड में जो ब्राउन पार्ट होता है उससे हमारी कुल्फी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से हम ब्रेड को हल्का सा पीसेस में तोड़ लेते हैं। तो चलिए, ब्रेड बिल्कुल तैयार है, दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जरा सी चीनी डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं 4 बड़े चम्मच चीनी इसमें डाल रही हूँ। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आपको अगर इलायची फ्लेवर पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुल्फी को एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए इसमें केसर के धागे डाल दूंगी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ये ब्रेड के पीस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस अब हमें इसे 2 मिनट ही पकाना होगा, बहुत ही जल्दी हमारा मिक्स रेडी हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही आप ये कुल्फी बनाने का मिक्स रेडी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लाजवाब कुल्फी इससे बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, 2 ही मिनट मैंने इसे पकाया है और कुल्फी का मिक्स बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब हमारा कुल्फी का मिक्स बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसे अब हम मिक्सी के जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुल्फी के मिक्स को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एयर बबल्स इसमें आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा मलाईदार मिक्स बिल्कुल तैयार है। हमारी कुल्फी बनाने के लिए मिक्स रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे कुल्फी मोल्ड में भर लेते हैं। इसके लिए हाँ, मैंने एक पॉप्सिकल ट्रे ली है, इसमें मैं ये जो कुल्फी वाली शेप है उसी के अंदर मिक्स को डालूंगी। आप इसी में सारे मिक्स को डालकर जमा सकते हैं। तो यहाँ मैं ये दोनों जो राउंड शेप की कुल्फी वाली शेप है उसी में इस दूध को डाल देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ मैंने प्लास्टिक के कप लिए हैं, तो बचे हुए मिक्स को मैं इस कप में जमाने वाली हूँ। आप डिस्पोजेबल जो कॉफ़ी कप होते हैं वो ले सकते हैं। घर में इस तरीके का कोई कांच का कप हो, ग्लास हो या फिर कटोरी हो, किसी में भी इसे जमा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप कुल्फी को किसी भी बर्तन में जमा कर तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 ग्लास दूध से यहाँ हमने 2 प्लास्टिक के कप भर लिए हैं और यहाँ पर 2 जो पॉप्सिकल ट्रे में कुल्फी के मोल्ड होते हैं उन्हें भी मैंने फिल कर लिया है। चलिए अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें बादाम डाल देते हैं, बादाम से इसे गार्निश करेंगे। आप इसे पिस्ता से या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उससे गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इन्हें ढककर कवर करके रखना होगा। अगर हम इन्हें सीधा फ्रिज में ऐसे ही जमने के लिए रख देंगे तो इस पे आइस क्रिस्टल जम जाते हैं। अब हम इसे एक एल्युमिनियम फॉइल से या फिर आपके घर में अगर इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन का पीस हो उसे कट करके इस तरीके से जैसे मैं आपको कवर करके दिखा रही हूँ इस तरीके से कवर करके फ्रिज में रख लीजिएगा। इस तरीके के रबर बैंड से हम इसे बंद कर लेंगे। तो ये घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से इसे दिखाया है। ये सभी के घर में आपको नॉर्मल जो हमारे पॉलीथीन होते हैं, पन्नी होते हैं, उनसे आप इसे कवर कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर लीजिए। अब आप चाहें तो इस पर स्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज कुल्फी को ऐसे ही जमाने वाली हूँ तो इसे हम इसी तरीके से जमने के लिए रख देंगे। अब जो हमने ये पॉप्सिकल वाली ट्रे में कुल्फी को जमाया है इसे भी हम कवर कर लेते हैं पॉलीथीन से। इसे भी हम रबड़ से अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि कुल्फी में हमारी आइस ना जमे। साथ ही साथ मैं इन्हें बिल्कुल कुल्फी लुक देने के लिए जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसे भी इसके ऊपर लगाऊंगी। तो एक नाइफ से हम इसके अंदर हल्का सा छेद बनाएंगे जो हमने पॉलीथीन से इसे कवर किया है, इसके ऊपर हम एक नाइफ से हल्का सा छेद करेंगे और इसके अंदर हम इस स्टिक को डाल देते हैं।
इससे स्टिक बहुत आसानी से हमारी एडजस्ट हो जाती है, गिरती नहीं है और इस तरीके से आप घर पर ही बिल्कुल बजाज जैसी कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कुल्फी बिल्कुल तैयार है, फटाफट से हम इसे फ्रिज में पूरी रात जमने के लिए रख देते हैं या फिर आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए जमने रख दें। तो 7 से 8 घंटे हो गए हैं, कुल्फी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे हम फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो कप में हमने कुल्फी जमाई है इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी हमारी जमकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया मलाईदार कुल्फी सिर्फ 1 ग्लास दूध से हमने बनाकर तैयार कर ली है। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्पून से इसके पास से दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनी है फ्रेंड्स। इसे आप मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। कुल्फी बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं इसे आपको इस कप से बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। हल्का सा हाथ से आप इसे एक बार शेक कर लीजिए और उसके बाद मोल्ड को उल्टा कर दीजिए, यानी कप को उल्टा कर लीजिए। और ये देखिए हमारी कुल्फी बहुत आसानी से इसमें से निकल आई है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार कुल्फी हमारी 1 ग्लास दूध से बनकर तैयार हुई है, जिसमें हमने सिर्फ 1 ही ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है और 2 चीज़ों से ये टेस्टी सी कुल्फी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको जो हमने पॉप्सिकल ट्रे में कुल्फी जमाई है उसे भी निकाल कर दिखा देती हूँ। पॉप्सिकल के स्टैंड को यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी रख कर रख लिया है ताकि जो कुल्फी है वो नीचे से जल्दी से छूट जाए और बहुत ही आसानी से निकल आए। तो ये देखिए अब हम इसे बाहर निकालेंगे, वाओ कितनी आसानी से हमारी कुल्फी निकल कर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं दूसरी कुल्फी भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए वाओ कितनी बढ़िया कुल्फी बनकर तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही ग्लास दूध से हमारी इतनी सारी कुल्फी रेडी हो गई है। तो कुल्फी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जब भी आपका कुल्फी खाने का मन करे सिर्फ 5 मिनट में इस मिक्स को रेडी करके आप कुल्फी जमा सकते हैं। ना ही दूध को बहुत ज़्यादा देर गाढ़ा करना है, ना ही हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर चाहिए, फिर भी हमारी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए कुल्फी को हम थोड़े से बादाम से गार्निश कर लेते हैं, साथ ही साथ ऊपर से थोड़े से केसर के धागे से इसे गार्निश करेंगे। इस तरीके से हमारी कुल्फी खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही बढ़िया लाजवाब लगती है। उम्मीद है आपको ये कुल्फी बनाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर कुल्फी बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।